हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स को। सो ईद का मज़ा मीठे के बगैर तो होता ही नहीं है। जब हम ईद की मीठी ईद की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यही आता है कि घर पर कुछ मीठा मीठा बनाया जाए। आजकल बहुत सारी डिफरेंट किस्म की बहुत सारी न्यू न्यू रेसिपीज़ आ गई हैं और लोग जो हैं बहुत कुछ नए नए तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो पुराना जो ख़ास एक शाही किस्म का जो एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश होती है यानी सेवैयाँ, या फिर ईद के नाम पर सेवैयों का की याद आती है, शीरखुरमे की याद आती है। और इस तो आज मैं आपके लिए एक नए अंदाज़ से, और पुरानी डिश है लेकिन जब तक सेवैयाँ घर पर ईद पे ना बनाई जाए तो ईद का मज़ा नहीं आता, तो मैं आज बनाने लगी हूँ सेवैयाँ। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो गाइस, मैंने जो चीज़ें ली हैं वो ये लिया है, 1 लीटर मैंने दूध लिया है, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी मैंने ग्रीन कलर की जो हरी इलायची, छोटी इलायची होती है वो ली है, थोड़ा सा बादाम लिए हैं, उसको थोड़ा मैंने काट लिया है, क्रश कर लिया है। मैंने इसके साथ ये बर्फ़ी ली है, आपको कलाकंद या कुछ भी बर्फ़ी मिल जाए, कलाकंद मिल जाए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन इंग्रेडिएंट है सेवैयों का, सेवैयाँ बना रहे हैं तो ऑब्वियसली सेवैयों का की ज़रूरत है। इसके साथ शुगर है, चीनी मैंने इसलिए कम ली है कि क्योंकि और ऑलरेडी जो हमारी बर्फ़ी है इसके अंदर फीका खोया भी मिल जाता है। अगर आप फीका खोया यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चीनी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप मीठी मिठाई यूज़ कर रहे हैं और मिठास को आपने एक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते हैं तो आपने शुगर का इस्तेमाल कम करना है, चीनी का इस्तेमाल कम करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पैन है वो बिल्कुल रेडी है, हम पैन के अंदर अपना दूध डालेंगे। हम चूल्हा ऑन करेंगे।